हाँ जी, आप कई दिनों से एक टॉपिक पूछ रहे हो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मिट। चलो डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। SBU की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मतलब कंपनी की एक ऐसी इकाई, इकाई मतलब कंपनी की ऐसी यूनिट, कंपनी का एक ऐसा डिपार्टमेंट, कंपनी का एक ऐसा फंक्शन, कंपनी का एक ऐसा प्रॉफिट सेंटर, कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट, इवन अ प्रोडक्ट लाइन। तो कंपनी का एक ऐसा डिपार्टमेंट, फंक्शन, प्रॉफिट सेंटर, एक ऐसी इकाई, एक ऐसी यूनिट जो कंपनी से एकदम अलग सोचती है, यानी कंपनी का एम अलग है, कंपनी का विज़न अलग है और इस पर्टिकुलर SBU का विज़न अलग है। कंपनी के अलग गोल हैं और इस SBU के अलग गोल हैं। एग्जाम्पल सर, टाटा कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो टाटा कंपनी में कई सारी SBUs हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, पहली SBU है टाटा मोटर्स, दूसरी SBU है टाटा डोकोमो, तीसरी SBU है टाटा का क्रोमा और चौथी SBU है टाटा का तनिष्क। तो ये टाटास के क्या है? अपने अपने SBU। क्या मतलब सर? यानी टाटा तनिष्क की स्ट्रेटजी अलग ही बनती है, उसका टाटा मोटर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। टाटा तनिष्क के अपने ही कंपेटिटर्स हैं, इसका टाटा मोटर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। लाइक टाटा तनिष्क के कंपेटिटर्स कौन कौन हैं सर? PP ज्वेलर्स, रिलायंस ज्वेलर्स, खजाना ज्वेलर्स। जबकि टाटा मोटर्स के कंपेटिटर्स कौन कौन से? हुंडई, मारुति सुजुकी एंड फोक्सवैगन। यानी कि दोनों कंपनी के अपने ही कंपेटिटर हैं, इसका जो बंदा है कंपेटिटर वो इसका कंपेटिटर नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 3, टाटा तनिष्क का अलग ही मैनेजिंग डायरेक्टर है जो इसके प्रॉफिट्स और डिसीजंस मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड टाटा मोटर्स का अपना ही एक MD है जो इसके प्रॉफिट्स और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, SBU क्या होता है? SBU मतलब कंपनी की एक ऐसी यूनिट, कंपनी की एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट, कंपनी का एक ऐसा डिपार्टमेंट, कंपनी का एक ऐसा बिजनेस, कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी अपने ही मिशन है, अपने ही विजन है, अपना ही गोल है, अपना ही प्लान है। तो हम कैसे माने कि आप SBU हो? तो हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। हम जानेंगे अगर आप SBU हो ना तो आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या चीज़ होनी चाहिए? तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो हमने पहला पॉइंट देखा कि SBU के अंदर पहली करेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसके अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होते हैं, यानी उसकी स्ट्रेटेजी अलग चलती है और कंपनी की स्ट्रेटेजी अलग चलती है। सेकंड थिंग, उसका अपना ही कंपेटिटर होता है जिसका कंपनी के बाकी कंपनी के कंपेटिटर से कोई लेना देना नहीं होता। एंड पॉइंट नंबर 3, उसका खुद का ही एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जो उसके प्रॉफिट्स और बिजनेस डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका बाकी से कोई लेना देना नहीं है। तो एक इस चीज़ को समराइज करते हैं, SBU यूनिट विच हैज सेपरेट मिशन, सेपरेट बिजनेस प्लान, इट हैज 3 करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, इट हैज ओन स्ट्रेटेजी, ओन बिजनेस प्लानिंग। पॉइंट नंबर 2, इट हैज ओन कंपेटिटर्स। एंड पॉइंट नंबर 3, इट हैज ओन मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बिजनेस डिसीजंस। ओके।